लाइक तो ठीक है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज का वीडियो है अबाउट द कुर्ता सेट्स दैट आई हैव परचेज्ड फ्रॉम मीशो। सारे बहुत ज्यादा सुंदर है एंड मैंने वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो भी कुर्ता सेट्स हैं मैंने लिया हुआ है मीशो से एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक ऑल ऑफ दीज बिकॉज आई एम लविंग ऑल ऑफ दीज। ये है मेरी डायरी जिसमें मैंने सारा नोट कर रखा है प्राइस वगैरह बिकॉज आई कीप नीडिंग इट अलॉट। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं फंक्शन वाइज जाऊं लाइक वेडिंग को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले आती है हल्दी की फंक्शन। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक आउटफिट जो मैंने लिया है विच इज अप्रोप्रिएट फॉर हल्दी फंक्शंस एंड दैट इज दिस। सो दिस इज द फर्स्ट वन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऑर्डर किया था देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये आया और मैं इसे खोलकर देखी तो मुझे लगा ये क्या है बहुत ऐसा ऐसा है बट व्हेन आई वोर इट आई फेल इन लव विथ इट। बहुत ज्यादा प्यारा है ये। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये यहाँ पर एक शॉर्ट कुर्ती टाइप्स है एंड इसके नीचे में है एक शरारा। आप यहाँ पर देखो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये प्रॉपर प्लेन व्हाइट कलर में है एंड नीचे में यहाँ पर ये गोटा पट्टी वर्क है एंड ये कुर्ती में भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये बहुत ही प्लेन सी कुर्ती है एंड यहाँ पर बस थोड़ा सा गोल्डन कलर में गोटा पट्टी वर्क है। और मैंने इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम ये कर दी कि आई ऑर्डर्ड दिस इन लार्ज साइज बिकॉज मीशो है एंड मुझे लगता है कि पता नहीं तो मैंने इसे लार्ज साइज में ऑर्डर किया एंड ऑफकोर्स आई नीड टू एक्सचेंज दिस। मैं इसको एक्सचेंज करूंगी रिटर्न बिल्कुल नहीं करूंगी। एक्सचेंज करके मैं इसे मीडियम साइज में लेने वाली। जब मैं पहनी थी पहले मैंने पीछे में पिनअप किया हुआ था बिकॉज इट्स इन लार्ज साइज एंड देन आई रियलाइज कि उन्होंने इसके साथ कुछ दिया हुआ है जो बहुत ही सुंदर सी चीज है एंड दैट इज दीज। मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था। सो दिस इज द बेल्ट एंड यहां पर आप देखो ये शेल वाली ये ऐसी है एंड ये जो है ना ये क्या ही बताओ ये एक चोकर सा है। मैंने पहले मैं सोच रही थी इसको कैसे पहनना है देन मैंने इमेज में देखा ये जो चोकर पहनने के बाद इतना अमेजिंग लग रहा था ये आउटफिट। यू सी दिस दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो कि हल्दी वगैरह में आप पहन सकते हो। यूनिक का यूनिक भी लगेगा एथनिक वाइब दे रहा है ये। आप इसे फॉर श्योर परचेज कर सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड दिस एंड प्राइस की बात करूं तो इतना ज्यादा अच्छा सा पीस आपको सिर्फ और सिर्फ ₹506 में मिल रहा है। इट हैज माई हार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट विच इज दिस वन। मैंने इसको पहना था एंड मुझे पहनकर ये इतना ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट इवन माय मॉम लाइक्ड इट। दिस इज हाउ इट लुक्स। ऊपर में ये कुर्ता है एंड गला भी जो इसका ना ये बहुत ज्यादा डीप सा नहीं है ऊपर में है तो मुझे ऐसा थोड़ा डीप चाहिए होता है गला। पर ये जब मैंने पूरा अच्छे से पेयर अप किया ना तो मुझे लगा कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज सपोज टू बी एंड आई हैव ऑर्डर दिस इन मीडियम साइज। तो साइज मुझे हल्का सा लूज हो रहा है। मैं शॉर्ट नहीं लेना चाहती हूँ। साइज थोड़ा लूज हो रहा है तो मैं उसको फिटिंग करा लूंगी लाइक ऑल्ट्रेशन करा लूंगी। तो यहाँ पर जब आप वीडियो देखोगे ना तो मैंने पीछे में पिनअप किया हुआ है टू द फिटिंग दैट आई वॉन्टेड। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड स्लीव्स जो इसकी है ये 3/4 स्लीव्स में है। दिस शरारा ये भी आप देखो ये ग्रीन कलर में है एंड इट हैज दिस गोल्डन टोन इन इट। नाउ कमिंग टू द दुपट्टा। दुपट्टा इज द वाउ फैक्टर फॉर मी बिकॉज अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा मीशो का तो यू मस्ट हैव हर्ड कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो कुर्ताज वगैरह तो बहुत सुंदर दिखते बट दुपट्टा हमेशा बहुत ही प्लेन सा होता है। तो अगर आपको कुछ वैसा चाहिए होगा तो यू हैव टू बाय द दुपट्टा बिकॉज वो एकदम पतला सा शिफॉन का कपड़ा होता है बट दिस दुपट्टा इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। सी ग्रीन विद गोल्डन टोन इन इट एंड यहाँ पर पिंक कलर का है। तो अगर आप इसको मेहंदी के फंक्शंस वगैरह में पहनना चाहो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड उसके अलावा भी शादी के दूसरे फंक्शंस भी होते हैं बहुत सारे छोटे मोटे रसम्स एंड ऑल सब कुछ होते हैं। यू कैन वेयर दीज पूजा वगैरह हो पार्टीज वगैरह हो किसी में भी यू कैन वेयर दिस। एंड नाउ क्वालिटी क्वालिटी इतनी कमाल की है इनकी। सो दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट थिंग एट दिस प्राइस स्पेशली। इसकी प्राइस है ₹687। सो इस प्राइस में ये आई कैन बेट यू ओवर दिस कि आपको कहीं भी इस प्राइस में इतनी अमेजिंग क्वालिटी वाली चीज नहीं मिलेगी एंड दैट टू द डिजाइन एंड एवरी थिंग इज वेरी रिच लुकिंग। सो दिस इज द वन आई टोल्ड यू इट हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर श्योर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज चलो ये दिखा देती हूँ पहले। This is also a very beautiful sa
का कुर्ता सेट बट इट डज नॉट हैव द बॉटम्स विद इट. इसका सिर्फ ऊपर में कुर्ती है विच इज अनारकली काइंड ऑफ एंड यू हैव द दुपट्टा. एंड ये दुपट्टा बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बात कर रही थी कि थोड़ा सिंपल दुपट्टा होता है कि आप देखो सिर्फ एक पिंक कलर में है एंड साइड में ये लेस है विच इज द स्टैंडर्ड मीशो का दुपट्टा मैं जो बोलती हूँ. तो ये वैसा है बट ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल नो डाउट अबाउट दिस. एंड दिस इज द कुर्ती यू सी. इसका गला जो है ये यहाँ पर आपको ऐसे पता चलेगा कि ये वी नेक में है, थोड़ा डीप सा वी नेक है एंड द स्लीव्स इज 3/4. ये मुझे थोड़ा लूज आ रहा है ऑल्दो आई थिंक आई ऑर्डर्ड इट इन, वेट तभी तो लूज आ रहा है, आई ऑर्डर्ड इट इन लार्ज साइज. पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने थोड़ा ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था मीशो को ऑन द साइज एंड ऑल, तो मैंने इसे लार्ज साइज में ऑर्डर कर दिया. एंड ऑफकोर्स इफ इट्स इन लार्ज साइज इट हैज टू बी वेरी लूज. सो ये लूज है, मैं इसे भी एक्सचेंज करके मीडियम साइज में लूंगी या मैं इसको स्मॉल साइज में भी लूंगी ताकि प्रॉपर फिटेड सा आ सकता है आई थिंक स्मॉल साइज में. सो आई कैन गो फॉर मीडियम या स्मॉल पर मैं डिसाइड करूंगी. बट ये कुर्ता फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड द बंदेज या बांधनी प्रिंट जो भी बोलते हैं, ये वो प्रिंट है इफ यू सी यहां देखो. एंड इसका जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना वो पीछे का लटकन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इतना ज्यादा वेडिंग एप्रोप्रिएट सा है ये एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे. एंड इसका जो कलर वगैरह है ना फॉर श्योर यू कैन वेयर इट इन वेडिंग फंक्शंस नो डाउट अबाउट दिस. जितने सारे रसम होते हैं सब में आप किसी में भी पहन सकते हो, वेरी प्रिटी. उसके अलावा आप इसको ऑफिस वगैरह में भी पहन कर जा सकते हो, लाइक ऑफिस में कुछ होता है आपके तो यू कैन वेयर इट फॉर द ऑफिस, पूजा, किसी में भी आप पहन कर जा सकते हो. एंड नीचे में मैं इसमें वाइट कलर का लेगिंग्स पहनूंगी या फिर आप चाहो तो प्लाजो और ट्राउजर्स यू कैन वेयर. आई विल वेयर द लेगिंग्स एंड हील्स के साथ. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इट इज ओनली फॉर ₹598 विच इज ₹600. बट 600 के लिए तो काफी ज्यादा सही है, क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी. नाउ द नेक्स्ट वन, तो दिस इज द वन. ये जब मैं सामने से देख रही थी ना तो मुझे लगा कि पता नहीं ठीक ठाक है, मैंने ऑर्डर कर दिया बट आने के बाद अच्छा है, पर जब मैंने पहना बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये सच में. एक चीज है कि मैंने जब इसको ना फोटो में देखा हुआ था तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि गला थोड़ा और इसका डीप होगा, बट पहनने के बाद मुझे लगा कि वो उतना ज्यादा डीप नहीं है जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी. बट स्टिल इट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल और मुझे अगर गला डीप कराना होगा तो मैं वो ऑल्टर करा लूंगी, बट अदरवाइज अभी के लिए तो मुझे बहुत ही सही लगा. ये फुल स्लीव्स में है लाइक हाउ आई वॉन्टेड. मुझे ऐसे कुर्तीज वगैरह जो होते ना वो फुल स्लीव्स वाले काफी ज्यादा पसंद है. एंड ये आप नीचे में देखो ना ये गाउन के लेंथ का है, सो इट वॉज रिटन एज गाउन ओनली तभी मैंने लिया हुआ था. बट गाउन हो या कुछ भी हो ना मैंने नीचे में वो लेगिंग्स या कुछ डाल लेती हूँ बिकॉज आई फील वेरी अनकंफर्टेबल लाइक दैट. सो आई एम गोइंग टू वेयर इट विद योर रेड लेगिंग्स, बट आप ना चाहो तो आप वैसे भी पहन सकते हो. एंड ये इट हैज गुड फ्लोरल प्रिंट. यहाँ पर ना यहाँ अंदर में वो जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा कपड़ा वो अस्तर वाला कपड़ा, तो इसमें वो अस्तर वाला कपड़ा भी है. मैंने इसे ऑर्डर किया है मीडियम साइज में, साइज सही है. और ये भी है कि इसमें वो जो क्या बोलते हैं इसे घूमने पे क्या आता है घेरा, हाँ, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा सा फ्लोइंग वाला सा है, तो अगर आप इसमें घूम रहे हो गोल तो बूमरैंग वगैरह जो फोटोज लेना होता है ना दैट्स अ गुड क्राइटेरिया. तो फोटोज वगैरह के लिए तो बहुत ही सही है, प्रॉपर घेरा आने वाला है इसमें, परफेक्ट फॉर योर मेहंदी का फंक्शंस जो भी आप पहनोगे. एंड मेहंदी के अलावा क्योंकि हम सिर्फ शादी तो होती नहीं है, शादी के बाद इसे बहुत बार यूज करते हैं, तो मेहंदी के अलावा आप इसको फेस्टिवल्स वगैरह में भी पहन सकते हो. इट इज गुड फॉर योर फेस्टिवल्स, कोई स्पेशल occasions में if you want to wear you can definitely wear it. Price है only ₹618. Yes, it's only for ₹618. And now the last one which is the showstopper. And showstopper के साथ ये viral वाला है because this is the velvet का कुर्ता सेट जो कि आजकल सब जगह हमें दिख रहा है. So let me open it. So this is how this looks and यहाँ पर ये work दिया हुआ है, इतना ज्यादा rich work है. ये देखो this is your कुर्ता and इस पे जो work है ऐसा work दिख रहा है, ये पूरे में इस type का है and आगे में ऐसा है.
इसका जो बाजू होता है वो भी एकदम लूज सा ढीला ढाला सा है एंड हियर इज द वर्क. दिस इज एक्चुअली द पाकिस्तानी कुर्ता सेट. आईज में ऑर्डर किया, इट्स फ्री साइज. पाकिस्तानी कुर्ता सेट की ब्यूटी यही होती है कि दे आर लूज ढीला ढाला सा एंड येट सो प्रिटी. दिस इज द दुपट्टा. यहाँ आप देखो थोड़ा थोड़ा सा एकदम मिनिमल सा ऐसा वर्क है. ये इतना प्यारा सा नेट का दुपट्टा है तो इन दोनों के साथ काफी अच्छा लग रहा है. ये जस्ट माइंड ब्लोइंग इट इज, बता रही हूँ. देख कर एकदम दिल खुश हो जाने वाला है एंड पहनकर भी इतना एलिगेंट सा लग रहा है. ये थोड़ा ज्यादा सा वर्क किया हुआ है ना तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसमें बहुत ही हैवी सी ज्वेलरी वगैरह पहनूं, एक्सेसरीज पहनूं. इसकी हाईलाइट यही लेके जाना चाहती मैं. सो ये मतलब बहुत ही सही है, बहुत प्यारा है. बट गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं जब इसे ढूंढ रही थी तो मुझे पता चला कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है एंड अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो आपको लिंक नहीं मिलने वाली है, लिंक नहीं खुलेगी. एंड फिर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे आपने गलत लिंक दिया हुआ है. नहीं, मैं कोई गलत लिंक नहीं दे रही हूँ, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. बट अभी के लिए ना मुझे एक और कुर्ता सेट मिला है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर में है. तो आई एम गोइंग टू शेयर उसकी लिंक फॉर यू गाइज एंड आप वो देख लेना. अगर आपको वो अच्छा लगा तो यू कैन ऑर्डर. एंड इसकी जैसे ही लिंक आती है ना, मतलब जैसे ही स्टॉक में आता है, मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी एंड यू कैन गो एंड बाय दिस. बट फॉर नाउ मैं आपको सिमिलर प्रोडक्ट दूंगी क्योंकि मुझे उस समय नहीं पता था कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. इसकी प्राइस इज, आई एम टेलिंग यू कि इस प्राइस में, लाइक आपने देखा होगा दूसरे ऑनलाइन साइट्स में, लाइक आई हैव सीन इट इन सो मेनी प्लेसेस, ये 3,000 से 5,000 के रेंज में ही था ये जितना भी ऐसे वेलवेट वाले कुर्ता सेट है अभी. बट दिस इज ओनली फॉर रुपी 1535. यस, काफी ज्यादा कम है फॉर दिस सेट फॉर श्योर. एंड वी नो हाउ ट्रेंडी आर द वेलवेट वाले कुर्ता सेट बिकॉज यू मस्ट हैव सीन ऑल द सेलिब्रिटीज वेयरिंग इट. लाइक मैंने रकुल प्रीत, शहनाज गिल, शहनाज गिल, आलिया भट्ट, उन्हीं ने उसी से तो पहले हमने देखा हुआ था. तो ऑल द सेलिब्रिटीज आर क्रशिंग ओवर द वेलवेट का कुर्ता सेट एंड वी आर गेटिंग इट एट सच लेस प्राइस. तो खरीद लो फॉर श्योर बिकॉज ये तो होना ही चाहिए वार्डरोब में, इट्स सो ट्रेंडी दिस सीजन. सो या गाइज, दिस वॉज इट. इतने सारे मैंने कुर्ता सेट लिए हुए हैं. बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स मैं और भी वीडियोज लाऊंगी अबाउट द कुर्ता सेट. बट मीशो वाले आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताना कॉमेंट में इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ दिस बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कुर्ता सेट्स इन मीशो जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे. बट बेस्ड ऑन योर कॉमेंट आई एम गोना ट्राई दैट. अभी के लिए इतना ही था एंड आप मुझे बताना क्योंकि मुझे तो लगता है कि काफी अफोर्डेबल एंड काफी सही थे ये सारे के सारे एंड वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट थे. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोस. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना एंड ढेर सारा प्यार देते रहना. बाय.